पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को 34 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर कर दिया है, जहां इंडियन प्रीमियर लीग के 14 संस्करण यानी कि वीवो आईपीएल 2021 के हाफ स्टेज के मुकाबले लगभग खत्म होने को हैं, जहां अब तक टोटल 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और आईपीएल 2021 के मैच नंबर 26 में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को 34 रन से मात दे दिया है, जहां पंजाब किंग्स की तरफ से केएल राहुल ने क्या शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, तो वहीं हरप्रीत बराड़ ने शानदार जबरदस्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी। 4 ओवर में 3 विकेट लेकर मात्र 19 रन दिए थे और इस शानदार प्रदर्शन की वजह से इन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था, जहां पंजाब किंग्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ शानदार जीत के बाद अब पंजाब किंग्स भी आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की रेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरे विस्तार से पॉइंट्स टेबल के बारे में, पूरे समीकरण बताने वाले हैं कि आखिर कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है और किस टीम को कितने मुकाबले और जितने प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने के लिए, और वो कौन सी टीम होगी जो आप में नहीं पहुंच पाएगी, जबकि आपको बताने वाले ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो आईपीएल 2021 में अब तक हाफ स्टेज के मुकाबले लगभग खत्म होने के हुए, अब तक टोटल 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आईपीएल का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल मैच नंबर 26 के बाद नंबर 1 पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। 6 मुकाबले खेलिए, 5 में जीत, मात्र 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। 10 अंक हैं, प्लस 1.47 इनका नेट रन रेट है। नंबर 2 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, 7 मैच खेलिए, 5 में जीत, 2 में हार, 10 अंक हैं, प्लस 0.46 इनका नेट रन रेट है। नंबर 3 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 7 मुकाबले खेलिए, 5 में जीत, 2 में हार, 10 अंक है, माइनस 0.171 इनका नेट रन रेट हो चुका है, जो कि अब आरसीबी का नेट रन रेट भी माइनस में हो गया है। उसके बाद नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस है, 6 मुकाबले खेलिए, 3 में जीत, 3 में 6 अंक है, प्लस 0.07 इनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 5 पर आ गई है पंजाब किंग्स, 7 मैच खेल चुकी है, 3 में जीत, 4 में हार, 6 अंक है, माइनस 0.264 इनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 6 पर केकेआर, 7 मैच खेलिए, 2 में जीत, 5 में हार, 4 अंक है, माइनस 0.494 इनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 7 पर राजस्थान रॉयल्स, 6 मैच खेलिए, 2 में जीत, 4 में हार, 4 अंक है, माइनस 0.690 इनका नेट रन रेट है। नंबर 8 पर सनराइजर्स हैदराबाद, 6 मैच खेलिए, मात्र 1 मैच में जीत मिली है, 5 मैचों में हार, 2 अंक है, माइनस 0.264 इनका नेट रन रेट है। तो गाइस जरा आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। तो चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी जगह आईपीएल के प्लेऑफ में कंफर्म करने के लिए बाकी बचे 8 मुकाबलों में से उन्हें 3 मुकाबले और जीतने होंगे। तो वहीं आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बाकी बचे हैं 7 मैच, 7 मैचों में से इन्हें 3 मुकाबले और जीतने होंगे प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने के लिए। तो वहीं मुंबई इंडियंस के बाकी बचे हैं 8 मैच, 8 में से 5 मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में कंफर्म करने के लिए, जबकि पंजाब किंग्स के 7 मैच बचे हैं, 7 में से 5 मैच जितना होगा और कम से कम 4 मुकाबले अपनी जगह प्लेऑफ में कंफर्म करने के लिए। तो वहीं केकेआर, जबकि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफी मुश्किल अब यहां से होने वाली है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बाकी बचे 7 मुकाबलों में से उन्हें 6 मुकाबले जीतने होंगे और कम से कम 5 मुकाबले। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाकी बचे 8 मुकाबलों में से उन्हें 6 मैचेस जीतने होंगे और कम से कम 5 मैचेस। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बाकी बचे 8 मुकाबलों में से उन्हें 7 मुकाबले जीतने होंगे और कम से कम 6 मुकाबले। तो इन टीमों के लिए काफी मुश्किल होने वाली, अब यहां से बैक टू बैक मुकाबले जीतने होंगे। अब अगर हम बात करें ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग के बारे में, तो फिलहाल ऑरेंज कैप है केएल राहुल के पास। इन्होंने अब तक आईपीएल 2021 में अपने बल्ले से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जो कि केएल राहुल 7 मैचों में 331 रन बना चुके हैं। तो वहीं नंबर 2 पर शिखर धवन है, 3 मैचों में 311 रन बना चुके हैं। नंबर 3 पर फाफ डुप्लेसी 270 रन बना चुके हैं, जबकि नंबर 4 पर पृथ्वी शॉ 269 रन बना चुके हैं। नंबर 5 पर सैंजो सैमसन 229 रन बना चुके हैं। तो वहीं आईपीएल 2021 के फिलहाल सिक्सर किंग है केएल राहुल, जो अब तक 16 छक्के जड़ चुके हैं सबसे ज्यादा। नंबर 2 पर जॉनी बेयरस्टो 14 छक्के जड़ चुके हैं। नंबर 3 पर आंद्रे रसल 13 छक्के जड़ चुके हैं। नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल 10 छक्के जड़ चुके हैं। नंबर 5 पर रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स 10-10 छक्के जड़ चुके हैं। तो वहीं फिलहाल पर्पल कैप है हर्षल पटेल के पास, जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा विकेट छटकाए, 7 मैचों में 17 विकेट सबसे ज्यादा ले चुके हैं। नंबर 2 पर अवेश खान 13 विकेट, नंबर 3 राहुल चेर 11 विकेट, नंबर 4 क्रिस मॉरिस 11 विकेट, नंबर 5 राशिद खान, पैट कमिंस और काइल जेम्सन 9-9 विकेट ले चुके हैं। तो गाइस ये आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। तो वहीं ऑरेंज के, पर्पल के और सिक्सर किंग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।